जिस पे हर संडे क्वेश्चन पेपर अपलोड होता है फॉर क्लास नाइन्थ एंड टेन सो दैट यू पीपल कैन सेल्फ योर सेल्फ जो मैं पढ़ा रही हूं कितना समझ में आ रहा है वो आप उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करके अपने आप को जज कर सकते हैं ठीक है सो लेट्स मूव फर्दर टूडे अभी तक हमने देखो बच्चों देखा इज मैटर अराउंड अस प्योर में ठीक है उसमें हमने अभी तक क्या देखा कि आखिरकार सॉल्यूशंस क्या हैं, सस्पेंशन क्या हैं, आज हम एक अगले टाइप के मिक्सचर की बात करने वाले हैं जिनका नाम है कोलॉइड, ठीक है तो सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग से हमने क्या देखा था मिक्सचर मिक्सचर उसके बाद हमने देखा था दो तरह के होते हैं होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस उसके बाद हमने देखा था कि सोल्यूशन वाज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर तो अब हम आज उसके बाद हमने देखा था सस्पेंशन सस्पेंशन अ अट्रोजीनियस मिक्सचर तो आज एक नए टाइप के बेसिकली मिक्सचर uh, की हम बात करने वाले हैं और उस मिक्सचर का क्या नाम है कोलॉइड क्या नाम है कोलोइड अब इस कोलॉइड में ऐसी क्या खूबियां हैं जो इसको एक अलग कैटेगरी में रखा फ्रॉम दैट ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ सस्पेंशन ये आज हम देखने वाले हैं तो चलिए आइए बच्चों आज इस कहानी को हम देखते हैं कि आखिरकार क्या कोलाइड होता है देखो जब हमने सॉल्यूशन पढ़ा था जब हमने सॉल्यूशन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज है वो बहुत छोटा होता है एंड दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड ये बात देखी थी हमने कि जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है नेकेड नेकेडाइस से जनरली हमें नहीं दिखता बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है बिल्कुल इसमें वाकई ही कोई दोहराए नहीं है कि जो हमारे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स है उनका साइज जो है वो बहुत छोटा होता है सॉल्यूशन के जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनका साइज जो है वो लेस देन वन नैनोमीटर होता है एक नैनोमीटर से भी छोटा साइज होता है सॉल्यूशन के जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनका इसीलिए हम से उन्हें नहीं देख सकते और इवन कि हमने ये चीज देखी थी कि जब आप ये सॉल्यूशन को किसी भी किसी भी सपोज ये कोई एक फिल्टर पेपर आपने रखा जब आप सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर में से पास करेंगे जब आप सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर में से पास करेंगे तो उसके कॉम्पोनेट जो है वो नहीं कर सकता। सारा का सारा सॉल्यूशन ही इस फिल्टर पेपर में से पास कर जाएगा ये बात हमने दूसरी चीज देखी थी सॉल्यूशन की तीसरी चीज हमने सॉल्यूशन की क्या देखी थी कि सॉल्यूशन में से जब आप ऑफ लाइट पास कर रहे थे जब आप सोल्यूशन में से बीम ऑफ लाइट पास कर रहे थे तो वो बीम ऑफ लाइट जो है वो सॉल्यूशन के उस ग्लास में हमें नजर नहीं आ रही थी तो so, सॉल्यूशन जो था वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर रहा था उसके पाथ को विजिबल भी नहीं कर रहा था हमें उस सॉल्यूशन के ग्लास में वो बेसिकली लाइट जो है वो नहीं दिख रही थी ठीक है अब जो कोलाइड है वो ऑलमोस्ट जो है ना वो आपको अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा आपको ऐसा लगेगा कि सोल्यूशन तो है होमोजीनियस मिक्सचर है पर आखिरकार वो होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं है तभी हमने उसको एक अलग कैटेगरी में रखा है तो सबसे पहले कोलाइड के बारे में जानने से पहले कि आखिरकार फिर सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज तो इतना छोटा है तो कोलाइड को अलग कैटेगरी में क्यों रखा है हम थोड़े से डे टू डे लाइफ के कोलाइड के पहले एग्जाम्पल देखते हैं सबसे आपका इंपॉर्टेंट और मेन एग्जाम्पल अगर आप देखें तो है दूध अगर अब आप मिल्क की ही बात करें तो आप जब आप मिल्क के उस ग्लास को देखते हैं तो आपको देखने पे वो ऐसा नहीं लगता कि हिट्रोजीनियस मिक्सचर है उसके ऊपर वो एक प्रॉपर आपकी जो फैट की लेयर है जब बॉईल करने के बाद आ जाती है जब तक वो नहीं आती आप जो रॉ पैकेट लेकर आते हैं दूध का ठीक है जो फ्रेश एकदम दूध है फ्रेश मिल्क है एकदम जो उसका जब पैकेट लेकर आते हैं मैं उस पैकेट की बात कर रही हूं, तो जब आप उस पैकेट को नॉर्मली ग्लास में डालते हैं जब तक वो बॉयल नहीं हुआ हुआ तब तक उसके उसमें कोई फैट की अलग से लेयर नहीं दिख रही होती हमें और हमें क्या दिख रहा होता है कि ऐसा ही लगता है कि एक पूरा होमोजीनियस मिक्सचर है होमोजीनियस मिक्सचर लगता है हमें ठीक है पर हाँ कई बार अब क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि मैम नहीं वो कई बार तो पैकेट लाते हैं उसमें भी वो जो है मलाई अलग से आ रखी होती है वो तब आ रखी होती है या कई बार हम फ्रिज में वो पैकेट ऐसे ही रख दें तो वो मलाई आती है जब वो दूध जो है वो एक आधा दिन पुराना हो वो फैट तब आपका उसके ऊपर अलग से अनबॉइल्ड मिल्क में आ जाता है जनरली जब आपका दूध थोड़ा सा पुराना है आपने क्या किया एक दिन मिल्क लाए उसको फ्रिज में रख दिया अगले दिन जब आप बॉइल करते हैं तो भी क्या होता वो इश कलर का, उसके फैट सा जो है उसके ऊपर नहीं आई हुई वो फ्रेश मिल्क आप लाए हैं तो ऐसा देखने में कई बार कि यार ये तो होमोजीनियस मिक्सचर ही है सारे के सारे कॉम्पोनेंट तो ऊपर से नीचे तक सेम है पर क्या दूध होमोजीनियस मिक्सचर होता है नहीं होता सोल्यूशन सिमिलरली ब्लड आपका ब्लड भी जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सर नहीं है हिट्रोजीनियस सिस्टम है किस टाइप का हिट्रोजीनियस सिस्टम है अभी बात करेंगे ठीक है सिमिलरली आपके फोम हो गए या आपका बटर हो गया आपके डिटर्जेंट हो गए दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ योर कोलोइड कौन से हैं हमारी डेली लाइफ में जिनको हम ये नॉर्मल डिटर्जेंट्स को कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा ये सारा का सारा जो है ये कोलॉइड के ही एग्जाम्पल्स है तो अब आखिरकार ये कोलॉइड नाम है क्यों क्यों अलग से लाए सॉल्यूशन क्यों नहीं बोल दिया क्योंकि अनलाइक सॉल्यूशंस। बिकॉज अनलाइक सोल्यूशन ये जो कोलॉइड होते हैं ये जो कलॉयड होते हैं ये क्या होते हैं हिटरोजीनियस होते हैं कोलॉइड भी जो है वो सस्पेंशन की तरह क्या है दे आर हिट्रोजीनियस सिस्टम्स हिट्रोजीनियस सिस्टम्स हैं इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है कॉम्पोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे मिल्क की ही बात करें तो मिल्क में भी जो मिल्क क्या है फैट सस्पेंडेड इन वॉटर नॉर्मल उसमें और भी चीजें हैं उसमें प्रोटीन्स है ये है वो है अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो मिल्क क्या है कि फैट जो है वो पानी में सस्पेंड हुआ हुआ बेसिकली पानी में डिस्पर्स हुआ हुआ है सस्पेंड वर्ड नहीं यूज करूंगी कि वॉटर में जो है वो आपका फैट जो है वो डिस्पर्स डिस्पोर्स हुआ हुआ फैट है लिक्विड के अंदर फैट डिस्पर्स हुआ हुआ है है ना तो बेसिकली अगर मिल्क की ही हम बात करें तो मिल्क को जैसे कि अभी हमने बात करी मिल्क में भी जो है वो फैट की लेयर आ जाती है अगर मान लो यहाँ फैट की लेयर ही आ गई तो ऑब्वियसली जो फैट के जो आपके कॉम्पोन है वो ऊपर अलग नीचे अलग हर जगह जो है उसके पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होते और ये चीज हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें नेकेड नेकेडाइस से ऑब्वियसली नेकेड से हमें क्लोइ के पार्टिकल्स भी दिखते तो नहीं मिल्क के पार्टिकल्स जो ग्लास के अंदर जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं अगर मान लो तो वो आपको दिख तो नहीं रहे यहाँ पर डिटर्जेंट ही है डिटर्जेंट के भी जो पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं वो तो आपको नहीं दिखते नेकेड से ये बात आपको समझ में आई तो बेसिकली आपके जो कोलाइड के पार्टिकल्स हैं वो हमें नेकेडाइज से इतना ज्यादा नहीं दिखते हैं बट दे आर लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ दार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूशन सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज एक नैनोमीटर से भी कम था पर जो आपके के पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज है वो एक से सौ नैनोमीटर के बीच का होता है तो कोई भी ऐसे सिस्टम्स कोई भी ऐसे मिक्सचर जिनका जो पार्टिकल साइज है वो एक से सौ नैनोमीटर के बीच का होगा उन्हें हम कोलाइड बोलते हैं कोई भी ऐसे हिट्रोजीनियस सिस्टम्स जिनका जो पार्टिकल साइज है वो एक से सौ नैनोमीटर के बीच में होगा उन्हें हम हिट्रोजीनियस सिस्टम उन्हें हम हिट्रोजीनियस सिस्टम कौन सा बोलते हैं कोलाइड बोलते हैं कोलाइड्स क्या हैं जिनका पार्टिकल साइज सॉल्यूशन से बड़ा है फॉर एग्जांपल मिल्क हिट्रोजीनियस है क्योंकि मिल्क के भी जो पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली नीचे से ऊपर तक एक ग्लास में अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए होते और कोलाइड सिंपली क्या है कि ऐसा कोई भी बेसिकली आपका मिक्सचर uh, जिसमें जो पार्टिकल साइज है वो एक से सौ नैनोमीटर के बीच का होता है सॉल्यूशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्लियर है ये बात अब हम अगली बात करते हैं कि जो आपके कोलॉइड्स हैं कि जो आपके ये जो कोलॉइड्स हैं इनके बेसिकली हर कोलॉइड जो है जिस तरह से आपका सोल्यूशन जो है वो दो कॉम्पोनेंट से बना होता है सोल्यूट और सोलवेंट से उसी तरह जो आपका कोलॉयड है वो भी दो कॉम्पोनेंट से बना होता है डिस्पर्ज फेस डिस्पर्ज फेस और दूसरा कौन सा है बच्चों डिस्पर्जन मीडियम दूसरा कौन सा है डिस्पर्जन मीडियम पहला कौन सा है डिस्पर्स फेस और दूसरा कौन सा है डिस्पर्जन मीडियम अब जो ये आपका सॉल्वेंट जिस सॉल्वेंट की हम बात कर रहे थे बेसिकली सोल्यूशन में तो आपका वो सॉल्वेंट टाइप ऑफ जो चीज है बेसिकली अगर लेमन टर्म्स में बात करूं तो ये आपका डिस्पर्जन मीडियम है ये जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है दिस इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट और जो आपका ये डिस्पर्स फेस है दिस इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट दिस इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है जो एज अ सोल्वेंट एक्ट करता है और डिस्पर्स फेस को अपने अंदर डिजॉल्व करवा सकता है यह बात समझ में आई डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है जो एज अ सोलवेंट एक्ट करता है और सोलवेंट नहीं आप असेंशली कह सकते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है और जिसके अंदर जिसके अंदर बेसिकली जो डिस्पर्स फेस है उसने डिजोल्व होना है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिल्क की बात करूं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिल्क की बात करूं, तो मिल्क में क्या है फैट फैट कम क्वांटिटी में है और फैट जो है वो डिस्पर्स किसमें हुए हुए हैं पानी में तो ऑब्वियसली जो मिल्क है उसमें जो ये आपका पानी है बच्चों ये क्या है डिस्पर्सिंग मीडियम है जिसमें जो आपका डिस्पर्स फेस है फैट वो डिस्पर्स हुए हुए हैं सो कोलाइड्स क्या है कोलाइड्स कोई भी ऐसा हिट्रोजीनियस सिस्टम जिसका पार्टिकल साइज एक और के ने, सौ के सौ नैनोमीटर के बीच में होता है उन्हें हम कोलॉइड्स बोलते हैं और कोलॉइड्स जो है उनके दो कंपोनेंट्स होते हैं डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम डिस्पर्जन मीडियम क्या है जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है और जो डिस्पर्स फेज को अपने अंदर डि करवाता है या डिस्पर्स करवाता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिल्क की बात करें तो पानी इज द डिस्पर्जन मीडियम जिसमें फैट ठीक है? तो दिस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कोलाइड्स की आखिरकार कोलॉइड है क्या अब नेक्स्ट लेक्चर में वील बी डिस्कसिंग अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉयड इन डिटेल ठीक है तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास और हंसते रहो मुस्कुराते रहो थैंक यू फॉर वॉचिंग आर चैनल